जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे 2000 के बाद पैदा होने वाली नस्ल, बदकिस्मती से इस लज्जत सुकून और मोहब्बत से महरूम रही जो 90 की दहाई की जनरेशन को मिली। हमने जिंदगी के असर रंग अपनी आखिरी हिचकियां लेते हुए देखे और इन्हें अलविदा किया। हमने मिट्टी के चूल्हों पर कड़ती हुई चाय का बेहतरीन जायका लिया और मिट्टी के बर्तनों में बनते सालन की महक से खुद को लुत्फ़अंदोज किया। हमने स्कूल डेस्क या बेंच पर बैठकर साथ वाले बेंच पर अपना बस्ता रख कर कहा कि ये जगह मेरे दोस्त की है, यहाँ वही बैठेगा। हमने नानी और दादी से वो कहानियाँ भी सुनी जिनके एहसार में जवानी तक मुब्तला रहे। हमने दो दो रुपए जमा करके बॉल्स खरीदी, शाम देर तक क्रिकेट खेला और घर लेट आने पर मार भी खाई। आज महसूस होता है कि क्रिकेट मैच के दौरान कोई एक बड़ा आकर ज़रूर कहता था कि मुझे सिर्फ दो बॉल्स खेलनी हैं, उसके बाद चला जाऊंगा। उस वक्त हमें बहुत चिढ़ आती थी, मगर आज समझ आई कि वो दो गेंदे खेलने वाला क्यों ज़िद किया करता था। हमने मेहमानों की आमद पर घर पर जश्न सा माहौल देखा और उनके अलविदा होने पर उनकी तरफ से मोहब्बत के तौर पर मिले 10 रुपए को कारून के ख़जाने के बराबर समझा। फिर मेहमानों की प्लेट में बचे हुए बिस्किटों पर हाथ साफ किए, जिसका बाज़ औकात अजाला भी करना पड़ता था। क्लासरूम से उस्ताद उस्तानी के साथ कापियां उठाकर स्टाफ रूम तक ले जाना अपने लिए एजाज़ समझा। कभी कभार किसी की कापी हाथ लग जाती तो 3-4 दिनों के टेस्ट के पेज निकाल कर जेब में डाल लेते थे। हमने पड़ोस के घरों में सालन देते और लेते देखा। हमने पड़ोसियों के आए हुए मेहमानों को अपने घर ले आने को अपना एजाज़ समझा। हम सुबह स्कूल जाने से पहले तारड़ हुसैन का प्रोग्राम देखते, जिसमें कार्टून ख़त्म होते ही स्कूल की तरफ दौड़ लगाते। हमने 50-50 सूरज के साथ साथ अंधेरा उजाला बा अदब बा मुलायजा होशियार ऐनक वाला जिन धुआं गेस्ट हाउस जैसे नायाब ड्रामे देखे। जुमे वाले दिन बैग में आधी किताबें रखने की खुशी को महसूस किया। हमने आखिरी पीरियड के दौरान छुट्टी के लिए बजती हुई घंटी के लिए वो बेताबी का मज़ा लिया। हमने अपने क्लासरूम से चाक चोरी करने का मज़ा भी चखा। ये हो ही नहीं सकता कि घर जाते हुए रास्ते में आने वाले किसी फलदार पौधे पर पत्थर मारकर फल ना खाए हों। ये अलग बात थी कि अक्सर औकात फलों के साथ मालिक की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिलता, मगर हमने परवाह नहीं की और दरगुजर फरमाया और दूसरे दिन फिर वही रवायत बरकरार रखी। हमारे स्कूल दौर में अमीर वही समझा जाता था जिसके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता था। गुलाब लम्हों के मखमल पर खेलते बचपन, पलट के आ मैं तुझसे शरारतें मांगूं। टीचर की गैर हाजिरी के लिए मांगी हुई दुआ बहुत कम ही कबूल होती थी, अक्सर राह से वापस आ जाती थी। फारिग पीरियड में हम अक्सर अपने अजदाद की बड़ाई बयान करते हुए उससे बनाए हुए किस्से सुनाया करते थे। कभी हाथों के नाखूनों की वजह से असेंबली में मार नहीं खाई, जैसे ही चेकिंग शुरू होती दांतों से फौरन नाखूनों का सफाया कर देते थे। जूतों की पॉलिश चेक होती तो एक जूता दूसरी टांग की पिंडली के पीछे रगड़ कर साफ कर लिया करते थे। हम रास्ते में बैठते तो बैग झोली में रखते थे, नीचे नहीं रखते थे। हम डरते थे कि इसने इस्लामियात की किताब है।
हमने गर्मियों की दोपहर में नींद न आने के बावजूद भी मजबूरन सोने की एक्टिंग की, जो किसी बड़ी अजियत से कम न होती थी। हमने एहतराम देखा, खलूस, मोहब्बत, भाईचारा और हमदर्दी देखी। हमने लोगों के साथ दावे और रिश्तों की असल मिठास देखी। हमने कच्चे घरों पर गिरती हुई बारिश के पहले कतरों से मिट्टी की उड़ती खुशबू को महसूस किया। हमने इंसान को इंसान के रूप में देखा। हमने ईशा के बाद फौरन सोने पर नींद का मज़ा चखा और फजर के बाद सूरज की रोशनी का नूर देखा। इस वीडियो में जो कमी रह गई हो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। शुक्रिया।